ओके तो भाई लिटरली बहुत सारा अपडेट है आज की इस वीडियो के अंदर, तो भाई आप लोग आज का वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो जैसा कि आप सारे लोग को पता होगा, हमारे ट्रैवल चिप रोमन रेंज को इंजरी हो गया था समर स्लैम के अंदर। तो भाई उस इंजरी के बारे में अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। उसके अलावा भाई और भी आपको बहुत सारा मैं अपडेट बताने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले बता देता हूँ, 400 के सब्सक्राइबर मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। तो भाई 400 के स्पेशल क्यू एन ए वीडियो आज शाम को मेरे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये क्यू एन ए वीडियो रेसलिंग से रिलेटेड नहीं रहने वाला, रेसलिंग से हटकर आपके माइंड में जितने सवाल आते हैं भाई सारे सवाल आप मेरे से पूछ सकते हो। तो सबसे पहले सारा लोग जाकर कमेंट कर लो, बहुत मजा आने वाला आसाम के क्यूएनए वीडियो के अंदर। और हाँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये स्पेशल क्यूएनए वीडियो है, तो इसके अंदर रेसलिंग से हटकर आपको सवाल पूछना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेबैक पेपर व्यू के बारे में। तो भाई डब्ल्यू वाले ने ऑफिशियल बैनर निकाल दिया पेबैक पेपर व्यू, आप लोग सारे लोग ये बैनर देख सकते हैं। मे बी ये बैनर स्पेशली जजमेंट डे के लिए उन्होंने निकाला है। हाँ, आप लोग सारे लोग इसके अंदर डेट देख सकते हो, 2 सितंबर को होने वाला पेबैक पेपर व्यू। वैसे भाई डब्ल्यू वाले ने ऑफिशियली रेसलमेनिया 40 का भी बैनर निकाला, और भाई ये बैनर काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप लोग रेसलमेनिया के यहाँ पर डेट देख सकते हो, 6 और 7 अप्रैल को रेसलमेनिया 40 होने वाला है। साथ ही साथ इस बैनर के अंदर हमें ब्रॉक लेसनर भी देखने को मिल रहा है। तो भाई ब्रॉक लेसनर डेफिनेटली रहने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ी मर्फी और रिया रिपली के बारे में। तो भाई ऑफिशियली ये दोनों एंगेज हो चुके, मतलब ये दोनों शादी कर चुके हैं। मुझे नहीं पता इनका रिलेशन कब तक चलने वाला, पर हाँ, मैं तो भाई वेस्ट विश करूंगा कि ये दोनों हमेशा साथ ही। वैसे आपको ही पता होगा फॉरेन के अंदर ऐसा होता नहीं, क्योंकि इन लोग का चॉइस हमेशा चेंज होते रहता है। वैसे भाई रिसेंट टाइम में मैंने मामी का एक बड़ा कमाल का फोटो देखा, जो कि मेरे ख्याल से नेक्स्ट से या फिर मंडे नाइट रॉ से, मैं श्योर नहीं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मामी अपना चैंपियंस होल्ड रखी हुई है, डॉम का चैंपियंस होल्ड रखी हुई, साथ ही डेवन प्रेस का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी रखी हुई है। मे बी मैंने डब्ल्यू के अंदर ऐसा बहुत कम ही मूवमेंट देखा जहां रेसलर के पास चैंपियंस बेल्ट हो, साथ ही उसके पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी हो। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकलकर सामने आया जजमेंट डे से ही रिलेटेड, और भाई करेंट टाइम में जजमेंट डे मेन रोस्टर से ज्यादा अच्छा काम एनएक्सटी के अंदर कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीक का जो एनएक्सटी का जो व्यूअरशिप ओवरऑल रहा है 776K रहा है। तो अगर आप लोग अप्रोक्स माने तो इस वीक का एनएक्सटी का व्यूअरशिप 800K अप्रोक्स निकलकर सामने आया। और भाई सबसे कमाल की बात है कि पिछले 2 साल से इतना ज्यादा व्यूअरशिप एनएक्सटी के अंदर आ ही नहीं रहा था। तो भाई आप लोग सारे लोग यहाँ पर देख सकते कितना बेस्ट इनका परफॉर्मेंस करेंट टाइम में चल रहा है। एनएक्सटी का पिछले 2 साल का रिकॉर्ड व्यूअरशिप का तोड़ दिया है। वैसे भाई मैं आपको बता दूं, जब तक डॉमडॉम अपना चैंपियनशिप हार नहीं जाता तब तक डॉमडॉम एनएक्सटी के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा मामी के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं परसों होने वाला स्मैकडाउन शो के बारे में। तो भाई परसों स्मैकडाउन के ऊपर हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगा इसके बारे में रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं परसों के स्मैकडाउन के ऊपर हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंज आने वाले, ये चीज ऑलरेडी कंफर्म है। सेकंड चीज बताया गया कि जिमी उसो रोमन रेंज को एक्नॉलेज करेंगे, मे बी वो आपको परसों देखने को मिलेगा, एक्नॉलेज करते हैं या फिर नहीं करते। थर्ड चीज आपको अगेन फिर से एजे स्टाइल वर्सेस कैरियन क्रॉस का मैच आपको देखने को मिलेगा परसों का स्मैकडाउन के ऊपर। मुझे जो लगता है करेंट टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि मेरे ख्याल से जिमी उसो रोमन रेंज को एक्नॉलेज कर लेने वाले, क्योंकि भाई डब्ल्यू वाले करेंट टाइम में ब्लड लाइन फ्रैक्शन का 3-3 टुकड़ा तो डेफिनेटली नहीं करने वाले। ब्लड लाइन का करेंट टाइम में 2 ही टुकड़ा होने वाला, यहाँ पर जे उसो हमारे अकेले रहने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। भाई लोगन पॉल के बारे में मुझे आपको बहुत सारे बात बताना है। तो सबसे पहले हमारे लोगन पॉल जो करेंट टाइम में इंजरी सफर कर रहे हैं, उनका इंजरी बहुत बड़ा नहीं, आप लोग सारे लोग यहाँ पर उनका आंख के अंदर इंजरी देख सकते हो। ये इंजरी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, 1 से 2 वीक के अंदर ये रिकवरी कर लेंगे पूरी तरीके से। पर भाई इनके बारे में जो सेकंड अपडेट है बहुत ज्यादा खतरनाक है, हुआ क्या, एरिक बिशॉप रिसेंट टाइम में लोगन पॉल के बारे में बोले। भाई कुछ टाइम पहले हमारे दद्दा रिक फ्लेयर ने बोला था करेंट टाइम में 70% रेसलर से ज्यादा बेटर लोगन पॉल है, और वो बात मुझे पहले नहीं हजम था, पर हाँ करेंट टाइम मुझे हजम हो चुका है। पर भाई करेंट टाइम में एरिक बिशॉप ने इस बात को बोला कि करेंट टाइम में 98% रेसलर से ज्यादा बेटर रेसलर लोगन पॉल है करेंट टाइम में डब्ल्यूई के अंदर। और ये बात मेरे ख्याल से मैं हजम नहीं करने वाला, मे बी आपको भी हजम नहीं होगा। वैसे आप लोग सारे लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर इसके ऊपर राय दे सकते हैं। वैसे रिसेंट टाइम में लोगन पॉल की तरफ से एक बड़ा कमाल का स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, लोगन पॉल के अकॉर्डिंग बॉक्सिंग से ज्यादा टफ रेसलिंग है। आप लोग सारे लोग को पता होगा कि लोगन पॉल एक डब्ल्यूई रेसलर के साथ एक प्रोफेशनल बॉक्सर भी, उनका मैच होने वाला अक्टूबर मंथ के। तो भाई लोगन पॉल के अकॉर्डिंग रेसलिंग ज्यादा टफ है बॉक्सिंग के कंपैरिजन में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं रिसेंट टाइम में लोगन पॉल ने बहुत गंदा एक कांड भी कर दिया है, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा मार भी खाना पड़ सकता है। रिसेंट टाइम में लोगन पॉल ने कॉर्नर मैकग्रेगर को ओपनली एक एमएमए मैच के लिए चैलेंज कर दिया। भाई अगर आपको नहीं पता कॉर्नर मैकग्रेगर कौन है, तो करेंट टाइम में पूरा एमएमए की सबसे बड़ा यह बात है। मुझे आज भी वो बात सुनकर हंसी आता है जब कॉर्नर मैकग्रेगर ने ओपनली चैलेंज किया था ब्रॉक लेसनर को एक फाइट के लिए, और इसके ऊपर ब्रॉक लेसनर का रिप्लाई था कि तुम्हारा जितना पूरा शरीर का बेटा उतना सिर्फ मेरा लेफ्ट लेग का बेटा। भाई सच में ये सवाल का जवाब बड़ा कमाल का था ब्रॉक लेसनर की तरफ से, पर भाई ना ही ब्रॉक लेसनर यूएफसी के अंदर गए, नहीं कॉर्नर मैकग्रेगर हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को। नहीं तो अगर ये मैच हो जाता तो भाई ये मैच नेक्स्ट लेवल का होता। आप लोग बहुत ज्यादा शौक मत होना अगर आपको यूएफसी के अंदर आपको लोगन पॉल देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई लोगन पॉल भी ब्रॉक लेसनर जैसा हर काम कर लेता है। साथ ही साथ यूएफसी कंपनी के अंदर ऑफिशियल उनका प्राइम ट्रेनिंग के साथ उनका डील भी है, तो भाई ये मतलब बहुत इजीली जा सकते हैं यूएफसी के अंदर। वैसे आप लोग क्या मैच देखना चाहते हो सारे लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेकोटा काई के बारे में, जो कि डैमेज कंट्रोल की थर्ड मेंबर थी करेंट टाइम में डब्ल्यू के अंदर, वो इंजरी के कारण देखने को भी नहीं मिल रही। पर भाई आप लोग सारे लोग ने देखा होगा जैसे चैंपियन यहाँ पर योशी काई बनी, हमें डेकोटा काई भी देखने को मिली। और भाई इसके बारे में डेकोटा काई ने इस बात को बताया कि समर स्लैम होने से बस कुछ घंटा पहले उनको कॉल गया और उनको सिर्फ ये बताया कि जल्दी से आ जाओ समर स्लैम के अंदर। मतलब आप लोग सारे लोग समझ सकते हो डब्ल्यू वाले कितना सीक्रेट है सारा चीज को करेंट टाइम में रख रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से अभी भी करेंट टाइम मेडिकली क्लियर नहीं, तो मतलब आपको अभी भी ये देखने को शायद से नहीं मिल सकते। नेक्स्ट बात करते हैं बैड बनी के बारे में, जिन्होंने रिसेंट टाइम एक नया सॉन्ग रिलीज किया। भाई उस सॉन्ग के अंदर उन्होंने बहुत सारे डब्ल्यू रेसलर को
फीचर भी किया है। आप लोग सारे लोग इस बैनर के अंदर भी देख सकते हो, इसके अंदर रिक फ्लेयर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और बुकर टी जैसे रेसलर को फीचर किया गया है। मैं आपको बता दूं, अभी करेंट टाइम में बैड बनी के रिटर्न को लेकर कोई भी अपडेट नहीं, मे बी आपको अगले साल देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं एलेक्सा ब्लेस के बारे में, भाई जिनके बारे में आपको बताना भूल गया, पर भाई आज के दिन है एलेक्सा ब्लेस का बर्थडे। भाई मैं सबसे ज्यादा शौक इस बात को लेकर हूँ कि करेंट टाइम में एलेक्सा ब्लेस सिर्फ और सिर्फ 32 ईयर की, मतलब यार ये करेंट टाइम में सिर्फ 32 ईयर की, मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करीब 10 साल से ये काम कर रही है, मतलब यार ये सिर्फ 22 या फिर 23 ईयर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ये काम कर रही है। भाई उस ईयर के एज में मैं क्या करता था, मैं तो आपको वीडियो के अंदर भी लिटरली बता नहीं सकता। तो आप लोग सारे लोग अगर चाहो तो जाकर सारे लोग कमेंट सेक्शन में विश कर सकते हो हैप्पी बर्थडे एलेक्सा ब्लेस। वैसे भाई रिसेंट टाइम में ट्विटर के ऊपर लिम मॉर्गन ने भी एक फोटो को शेयर किया जिसके अंदर लिम मॉर्गन अपना बाल को ही हटा दिया। मुझे नहीं पता भाई सीरियसली क्या चल रहा है करेंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, आखिर क्यों सारे फीमेल रेसलर अपने बाल को ही हटा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोनिया डेवल के बारे में, तो भाई सोनिया डेवल करेंट टाइम में इंजर्ड हो गई थी, आई थिंक सारे लोगों को पता होगा। भाई रिसेंट टाइम में उनके बारे में अपडेट भी निकलकर सामने आ चुका है, करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनको 7 से 8 मंथ रख सकता है रिकवरी के लिए। तो भाई मतलब आप लोग सारे लोग समझ लो फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक नया ड्रामा शुरू होने वाला, न्यू आपको टैग टीम चैंपियन फिर से आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने दद्दा रिक फ्लेयर के बारे में, जो कि रिसेंट टाइम अपने पॉडकास्ट के अंदर एक अपना सीक्रेट को शेयर किया। दद्दा वहां इस बात को रिवील किया कि मैं बेडरूम के अंदर जाने से पहले अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए मैं इंजेक्शन का यूज किया करता था। और भाई ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप लोग सारे लोग देख सकते हैं उन्होंने साफ तरीके से इसी तरीके से लिखा कि अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन का यूज किया करते हैं। अब इस पर भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, दद्दा ने ऑलरेडी 5-5 शादी की, 6-7 ऑलरेडी इनके गर्लफ्रेंड भी रह चुकी होगी, तो भाई इतना स्टैमिना लाने के लिए इनको तो ये सब सारा चीज करना ही पड़ता होगा। वैसे दद्दा अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करते तो मैं इंडिया से आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का शिलाजीत आपको भेज देता जिसका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होता है। बात करते हैं दद्दा की बेटी पापा की परी के बारे में, भाई जिनके बारे में भी रिसेंट में बहुत बड़ा कुछ रूमर निकलकर सामने आ रहा है। भाई करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनका रूमर ऐसा आ रहा है कि शायद इनका अंद्राडे के साथ ब्रेकअप होने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे ख्याल से सारा फ्लेयर अंद्राडे से पहले भी 1 या 2 शादी ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन लोग के लिए बहुत आसान होता है शादी करना है तोड़ना, तो मतलब इनका शायद आपको ब्रेकअप देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूडी का नेक्स्ट पेपरव्यू पेबैक के बारे में, जिनके कुछ मैचेस का लिस्ट यहां पर निकलकर सामने आ चुका है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आपको शायद एले नाइट वर्सेस मीज का मैच देखने को मिल सकता है पेबैक के अंदर। इसके बाद आप लोग सारे लोग यहां पर सेकंड देख सकते हैं रकेल वर्सेस रिया रिप्ली का मैच, आपको मेरे ख्याल से 100% देखने को मिल सकता है पेबैक के अंदर। इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें तो शिंसुके नाकामुरा वर्सेस सेथ रॉलिंस ये मैच मेरे ख्याल से 100% लॉक हो चुका है पेबैक के अंदर। एंड फाइनल आपको जे उसो वर्सेस जिमी उसो का मैच देखने को मिल सकता है पेबैक के अंदर, पर भाई इस मैच को लेकर थोड़ा सा ट्विस्ट है मैं आपको बताता हूं। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यू लीग के अंदर कोई एक बंदा है जो बहुत ज्यादा ऊपर पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ, जो कि इस मैच को करवाने से मना कर रहा है, और उनका ये मानना है कि डब्ल्यू वालों को इस मैच को रेसलमेनिया जैसे बड़े पेपरव्यू के अंदर करवाना चाहिए। एग्जैक्टली क्या हो सकता है ये तो मुझे नहीं पता, पर शायद आपको पेबैक के अंदर ये मैच देखने को मिल सकता है, इसका ज्यादा चांसेस स्टील है। मेरे ख्याल से सिंपल डब्ल्यू वाले इनके बीच में मल्टीपल मैच सेट कर सकते हैं, जैसे हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में देखने को मिला। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने फाइनल न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा हमारे ट्रैवल से रोमन रेंज से रिलेटेड। तो भाई करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रोमन रेंज को मैच से पहले ही एक्चुअली इंजरी हो गया था, और उसके बावजूद भी रोमन रेंज ने पूरे मैच को एक प्रॉपर तरीके से पूरा रेसल किया। भाई इसीलिए हमारे ट्रैवल से रोमन रेंज समर स्लैम खत्म होने के बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखने को नहीं मिले, क्योंकि भाई जनरली डब्ल्यूई वाले हर पेपर व्यू के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोमन रेंज को बुलाते हैं। वैसे भाई इनके बारे में एक और रिपोर्ट यह आया कि मतलब जे उसो का तो भाई कोई भी चांसेस नहीं था समर स्लैम के अंदर विन करने का, क्योंकि डब्ल्यूई वाले यहाँ पर कुछ भी कंसीडर मतलब की ही नहीं थी जे उसो के बारे में। आपको ये बात जानकर हंसी आएगा कि रोमन रेंज वर्सेस जे उसो का मैच हमें इसलिए देखने को मिला समर स्लैम के अंदर ताकि हमें जिमी उसो का रिटर्न देखने को मिले। मुझे सीरियसली इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है यार, ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो के अंदर पूरा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। वैसे रोमन रेंज का अगर मैं आपको इंजरी के बारे में बताऊं तो डेम मेजर के अकॉर्डिंग करेंट टाइम में रोमन रेंज का इंजरी बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। भाई साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट आया कि रोमन रेंज के इंजरी से डब्ल्यूई के क्रिएटिव प्रोग्राम में मतलब इनका स्टोरी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और भाई ऐसे भी अगर रोमन रेंज चाहे तो मैक्सिमम 3 मंथ का भी छुट्टी ले सकते हैं डब्ल्यूई कंपनी से, बहुत आसान है उनके लिए। भाई मैं आपको फिर से बताता हूँ, आज शाम को क्यूएन वीडियो आने वाला, तो आप लोग सारे लोग अपना क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछना भूलिएगा, साथ ही सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट और बात करना है सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।